अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं लेटेस्ट वाइटल। आज का मेरा टॉपिक है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंट पर्सन क्या होता है, आज हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहली चीज़ कि कॉन्फिडेंस होता क्या है। कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप रातों रात याद कर सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं है जिसको आप रटा लगा के अपनी डायरी में लिख के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या पेपर में लिख सकते हैं। एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आप में पैदा होता है जब आप नॉलेज गेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्या करती है कि आपके अंदर अचीवमेंट की जो सोच होती है, जो आपके अंदर अचीवमेंट्स आती हैं, उसके बाद आपके अंदर जो एक स्टेट ऑफ माइंड पैदा होता है कि आप चीज़ें कर सकते हैं आसानी से, उसका नाम है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होता है कि आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको ये कैपेसिटी दी है, ये अल्लाह ताला ने आपको ये कैपेबिलिटी दी है, ये कैपेसिटी दी है, आपके अंदर ढाली है अल्लाह ताला ने ये चीज़ कैपेसिटी कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। इस चीज़ को मान लेना आपको कॉन्फिडेंस कहलाता है। कॉन्फिडेंट लोग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, के अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि कॉन्फिडेंट लोग हमेशा डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। वो जब भी कोई फैसला करते हैं तो लोगों के बारे में नहीं सोचते, उस डिसीजन के बारे में सोचते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। वो ये नहीं सोचते कि वो डिसीजन पॉपुलर होगा या अनपॉपुलर होगा। वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो डिसीजन वो ले रहे हैं उससे उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, आया वो डिसीजन उनके लिए ठीक है या गलत है। दूसरी चीज़ कि कॉन्फिडेंट लोग हमेशा जो है ना वो रिस्क लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वो रिस्क लेने से डरते नहीं है, वो नए चैलेंजेस को फेस करने के से डरते नहीं है। उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ का डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती कि वो अगर कोई नया चैलेंज उनकी ज़िंदगी में आएगा तो उसे घबरा जाएंगे या उसे भाग जाएंगे। उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो नई चीज़ों को, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की उनके अंदर हिम्मत होती है। कॉन्फिडेंट लोग हमेशा अपनी गलतियों को एडमिट करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलती ना करें। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गलती करता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो उस गलती को मानते हैं कि हाँ मेरे से यहाँ पर गलती हुई थी और इस गलती से मैंने ये सबक सीखे हैं और इन सबक को अपनी ज़िंदगी पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि मैं दोबारा ये वाली गलती ना करूँ। कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मुस्बत रवैया होता है उनको चीज़ों को ले के। वो हमेशा देखते हैं कि आधा भरा हुआ है, ये नहीं देखते ग्लास आधा खाली है। उनकी सोच हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होती है, पेसिमिस्टिक नहीं होती। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स डिस्कस करूंगा जिससे आप भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आप देखें कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं, अपने पास्ट में या अपने प्रेजेंट में। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी कुछ भी अचीव ना किया हो। हर इंसान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लाजमी हासिल करके उस जगह तक पहुँचा होता है। कुछ लोगों ने रिश्ते अचीव किए होते हैं, कुछ लोगों ने बिज़नेस अचीव किया होता है, कुछ ने डिग्रीज अचीव की होती हैं, कुछ ने करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना नाम बनाया होता है, कुछ ने किसी दूसरे शोबे में अपना नाम बनवाया होता है। तो जब आप ये बातें बैठ के अपने आप की अपनी जो अचीवमेंट्स हैं इनको एक्नॉलेज करेंगे तो होगा क्या कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि उस जगह पर जहाँ पर मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल थे तो उसके बावजूद भी मैंने वो अचीव की, वो जो चैलेंज मुझे मिला था उसको मैंने अचीव किया, वो अचीवमेंट मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब इस चीज़ को आप एक्नॉलेज करेंगे तो क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ आएगी कि मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि मैं किसी भी चैलेंज को फेस कर सकता हूँ आसानी से और मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में आसानी से। मेरी ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज आएगा तो जिस तरह मैंने पास्ट में उस चैलेंज को आसानी से पूरा किया था और मैंने वो अचीव किया था, तो मैं अभी भी वो काम करके मैं उस चैलेंज को अचीव कर सकता हूँ, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ और इसे जीत सकता हूँ। दूसरी चीज़, हमेशा सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी क्या सलाहियत दी है जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये सलाहियत दी है कि उस कुछ ना कुछ उसके अंदर काबिलियत डाली है। कुछ लोग मैथ्स में बहुत तेज़ होते हैं, कुछ लोगों के पास नेगोशिएशन पावर्स होती हैं, कुछ के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, कुछ के पास लोगों को अपनी बात मनवाने की स्किल होती है, कुछ लोगों के पास कारोबार की स्किल होती है, कुछ लोगों के पास तालीम की स्किल होती है। किसी ना किसी को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई स्किल ऐसी दी होती है जो बाकी लोगों से उसको अलग करती है। तो आप जब अपनी स्किल्स को एक्नॉलेज करेंगे, अपनी उन क्वालिटीज़ को एक्नॉलेज करेंगे और उनको देखेंगे कि आप किस में बेहतर हैं बाकी लोगों से, तो वो क्या करेगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी। आप जैसे कि आप पहले दिन स्कूल में जाते हैं। तीसरी चीज़, हमेशा अपने गोल्स बनाएं।
इंसान अगर अपने कोई गोल रखेगा तो वो उनको अचीव करना उसके लिए आसान होगा। लाइक अगर आप अपने छोटे छोटे गोल रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आप उन गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं और उनके शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स भी आपके सामने आना शुरू होते हैं। जब वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आपके सामने आना शुरू होते हैं तो क्या करते हैं, आपको वो मोटिवेट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स रखेंगे तो उससे क्या होगा कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत लेट आएंगी आपकी ज़िंदगी पे, तो वो क्या करेंगे आपकी मोटिवेशन को कम करेंगे, बोर्डम का फैक्टर आएगा। लेकिन अगर आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके गोल्स जल्दी अचीव होंगे, वो क्या करेंगे आपको मोटिवेट करेंगे। वो मोटिवेशन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगी कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर आप अपने गोल पर फोकस रहेंगे, अपने गोल पे फोकस रहेंगे और अपने नॉलेज को साथ साथ बढ़ाते रहेंगे तो वो क्या करेगी कि वो अल्टीमेटली आपका गोल भी अचीव होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। चौथी चीज़, अपने आप से बात करना सीखें। दुनिया में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने आप से बात कर सकें, अपने आप को जान सकें, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने आप से बात ही नहीं करते, हमेशा अपने आप को डिग्रेड करते हैं। जब आप अपने आप को डिग्रेड करते हैं, ये इंसानी मिथ है कि जब भी आप कुछ सोचते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप में से वाइब्स निकल रही होती हैं जो दूसरे लोग वो वाइब्स कैच करते हैं। लाइक अगर आप अपने आप को बहुत डिग्रेड करते हैं या अपने आप को समझते हैं कि आप किसी भी काम के नहीं हैं तो क्या होगा कि वो आपकी जो वाइब्स निकल रही हैं वो दूसरे लोग कैच करेंगे और वो आपके बारे में ऐसा ही तासुर रखेंगे जो आप अपने बारे में रख रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। लेकिन अगर आप अपने बारे में अच्छी पॉजिटिव सोच रखेंगे और अपने आप को एक्नॉलेज करेंगे बहुत सारी चीज़ों पे, तो क्या होगा कि आपकी पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी और पॉजिटिव वाइब्स लोग कैच करेंगे और वो आपके बारे में एक पॉजिटिव राय रखेंगे। जब दूसरे लोग आपके बारे में पॉजिटिव राय रखेंगे तो क्या होगा कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आजकल इस जिस मॉडर्न एरा में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पर हमारा बहुत सारा टाइम गैजेट्स पे गुजरता है और गैजेट्स में सबसे ज़्यादा टाइम हमारा सोशल मीडिया पे गुजरता है। तो जैसे कोई इंसान बीमार होता है या कुछ किसी न्यूट्रिशंस को देख लें या कुछ भी ऐसे प्रोग्राम्स देख लें जिसमें आपको बताया जाता है कि आप हेल्दी फूड लें, तो वो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आपके दिमाग के लिए भी एक हेल्दी फूड ज़रूरी है। और ये जो सोशल मीडिया और गैजेट्स की दुनिया, ये एक जंक फूड है जो अपने दिमाग को हम दे रहे हैं। इस जंक फूड से हम अपने दिमाग को निकालेंगे तो हमारे दिमाग को हेल्दी फूड मिलेगी। लाइक हम बुक्स पढ़ें, हम कोई नई रिसर्चेस पढ़ें, हम कुछ नई चीज़ें सीखें, नई स्किल्स की तरफ ध्यान दें, तो वो क्या करेगी कि वो आपके अंदर पॉजिटिविटी भी लाएगी और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी। पांचवी चीज़, आखिरी चीज़ और सबसे अहम चीज़, कि अपनी ज़िंदगी में से नेगेटिव लोगों को एलिमिनेट करना शुरू करें, उनसे कट ऑफ होना शुरू करें। जितना आप उनसे कट ऑफ होंगे आपकी ज़िंदगी में उतनी ही बेहतरी आएगी। आप अपनी ज़िंदगी को उन लोगों से दूर करेंगे और पॉजिटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी अपने बारे में मुस्बत सोच पैदा होगी। वो मुस्बत सोच क्या करेगी कि आपके अंदर आपके रवैये को मुस्बत करेगी, आपको अपने बारे में सोचने में बेहतरी लाएगी और आपका दुनिया को देखने का नज़रिया उसको मुस्बत करेगी और आपके इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंसान हमारे माशरे में सबसे बड़ा जो मसला पैदा हो रहा है, जो मुझे लगता है जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, हमारी जो मेंटली ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, एरोगेंस। जब हम किसी से बहस कर रहे होते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता कि हम उससे कुछ सीखें, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम उस बंदे को उस बहस में कैसे हराएं। बेशक वो कितनी ही अहम बात कर रहा हो या कितनी मालूमाती बात कर रहा हो, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो अगला बंदा मान ले और हम उसको ये हरा दें कि हमने इसको इस बहस में हरा दिया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई बहस करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप उससे नई चीज़ सीखते हैं और वो आपसे नई चीज़ सीखता है। तो एरोगेंस क्या करती है, एरोगेंस आपके दिमाग के ऊपर वो ढक्कन लगा देती है कि आपने कोई चीज़ अंदर नहीं आने देनी और ना कोई चीज़ बाहर निकलने देनी है। तो आपने अवॉइड करना है एरोगेंस को। जब आप एरोगेंस को छोड़ेंगे और नई चीज़ें सीखेंगे तो आपके अंदर इन्हांसमेंट होगी, आपकी स्किल्स की इन्हांसमेंट होगी, आपकी सोच की इन्हांसमेंट होगी, तो वो क्या करेगी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएगी। ये थी वो पांच टिप जिसको इस्तेमाल करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल वाला बटन भी पाइएगा।